बराक घाटी के करीमगंज के भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा की एक खबर से हड़कंप मची हुई है। कटीले बार के नीचे सुरंग के जरिए घुसपैठ की खबर के प्रसारण के बाद पुलिस और बीएसएफ तत्पर हो उठी है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। देखा गया है नहीं, मैं नहीं इसके लिए मैं, ये बताएंगे ना आपको बीएसएफ के बारे में। हाँ नहीं, ये बताएंगे जो टर्मिनल है, जो टर्मिनल है बता रहे हैं ना, जो टर्मिनल है इसके बारे में आप क्या बता रहे हैं अभी, ये बताएंगे आप। बीएसएफ के शीर्ष अधिकारी ने पत्रकार के सवाल का जो जवाब दिया आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि जवाब ये देंगे, ये बताएंगे ना आपको बीएसएफ के बारे में। ये बताएंगे, ये से मतलब था असम पुलिस के डीआईजी दिलीप कुमार डे, उन्हें भी सुन लेते हैं। तत किसुमान हिउम पाइप আছে পানী জোয়া কারণে পানির ফ্লোটো খুব বেশি হয় আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখা পাইছো। डीआईजी दिलीप कुमार डे के अनुसार सुरंग जैसी कोई बात नहीं है, ये हिउम पाइप है। इन पाइपों के जरिए पानी बांग्लादेश की ओर बहाया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस हिउम पाइप को, ऐसे कई और हिउम पाइप है जिनकी मरम्मत भी की जानी है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, ह्यूम पाइप के दोनों छोर पर जाली क्यों नहीं लगाई गई? अगर सही तरीके से जाली लगाई गई होती तो आज शायद यह खबर ही नहीं बनती। आपको याद दिला दें कि 2018 में 7 बांग्लादेशी नागरिक मवेशी तस्करी के उद्देश्य से ऐसे ही गुप्त रास्ते के जरिए असम में प्रवेश किया था और बाद में करीमगंज पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी किया था। CPWD বনাইছে এলং ইন্দো বাংলা বৰ্ডাৰ, তাত কিছুমান হিউম পাইপ আছে পানী যোৱাৰ কাৰণে, পানীৰ ফ্লোটো খুব বেছি হয় আমি প্ৰেক্টিকেলি দেখা পাইছোঁ। আৰু কিছুমান ঠাইত পানীৰ প্ৰবল সোঁতত এই কাটা তাঁৰৰ যিটো বেৰা আছে উটি যায়। এটা জেগাততো এনেকুৱা ইৰোশ্যন হৈছে এটা মানুহ পৰি যাব। তো এইবোৰৰ ৰিপেয়াৰৰ ব্যৱস্থা অলৰেডি কৰা হৈছে আৰু দুই এটা জেগাত য'ত কমি আছে সেইখিনিও ৰিপেয়াৰ কৰা হ'ব। উধৰ বিএছএফ কে অনুসাৰ ঘুসপেট কি কোনো ঘটনা নহয় হৈ হে খবৰ বেবুনিয়াদ হে। এসে মে সৱাল ইয়া বি উঠতা হে কি পত্রকারো কো কথিত সুৰংগ ৱালে স্থান পৰ বিএছএফ জানে কিউ নহয় দে ৰহি। खबर मीडिया में आने के बाद असम पुलिस और बीएसएफ के शीर्ष अधिकारियों के बीच एक बैठक भी आयोजित की गई। चिंता की विषय यह भी है कि अगर ऐसे गुप्त रास्ते का आपराधिक तत्व इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। करीमगंज से असीम देव की रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।